एपिसोड के स्टार्टिंग में ही लीको, कैटी और रेगा के बीच के जो बैटल है वो स्टार्ट होने वाली होती है, जिस पे जो लीको है वो इस बैटल के लिए थोड़ी टेंस होती है। और इसी पे जो कैटी और इवन जो रेगा होते हैं वो लीको को चेयर अप करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जो लीको है वो थोड़ी सी बेटर फील करने लगती है। और इसी के बाद उनकी जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है, जहां लीको जो है वो अपनी स्पेगेटीटो को चुनती है, जो कैटी है वो अपने लो किक्स को, और दूसरी तरफ जो रेगा है वो अपने डक्ट्री और क्लाउड साइड को चुनती है। और उनकी बैटल जो है वो स्टार्ट होते ही बिल्कुल वन साइडेड होती है, क्योंकि रेगा के जो पोकेमोन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और जो लीको है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। तो इसी पे फिर से जो रेगा और कैटी हैं वो लीको की मदद करते हैं इसी पोकेमोन बैटल में, ताकि उसको पता चले कि असल में एक पोकेमोन बैटल कैसे करते हैं और कैसे तुम अपने आप को और बेहतर बना सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जो टेराबोगस होता है वो अगेन वहां से कहीं चला जाता है, इस पे जो डॉट है वो उसका पीछा करती है और वो जो है वो देखती है कि असल में एक स्टूडेंट जो है उसके हाथ में वो बैग है, जिसको डॉट का नाम भी पता था। उसी के दूसरी तरफ बैटल में जो लीको है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है और वो बैटल में थोड़ी अपर हैंड उसके पास आ भी जाती है, जब जो कैटी है वो अपने लो किक्स के साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है उस बैटल में और रेगा के पोकेमॉन्स को काफी अच्छा डैमेज भी दे देती है, और साथ में ही जो डक्ट्री है उसको पैरालाइज कर देती है। बट इसी के बाद जो लो किक्स है उस बैटल से बाहर हो जाता है, क्योंकि जो क्लाउड जायर का पॉइजन अटैक था उसका असर उस पर होने लग गया था, जिसकी वजह से वो और बैटल नहीं कर पाया। और इसी के बाद जो पूरा मैच था वो लीको के हाथों में था। दूसरी तरफ जो डॉट और वो एक दूसरा स्टूडेंट था वो वही जो चाल्से है जो कि असल में एडवेंचरस से बिलोंग करती है उस पर स्पाई कर रहे थे, जिसपे वो जो स्टूडेंट है वो बताता है कि वो असल में जो कोर्स रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसको मेंटेन करता है, और ऐसे ही उसको पता चला डॉट का नाम। और दूसरी तरफ वो ये भी बताती है कि उसमें जो चाल्स का डाटा है वो एकदम से पता नहीं कहां से आ गया, जो कि उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगा, इसलिए वो जो चाल्स है उस पर नजर रख रही। दूसरी तरफ जो डॉट है वो तभी देखते हैं जो टेराबोगस है वो वहां से गायब है, जो कि असल में चाल्स की तरफ बढ़ रहा था, तो वो जल्दी से जाके उसको पकड़ लेती है ताकि चाल्स जो है उसके देखने से पहले वो उसको छुपा सके। इसके बाद वो इसमें कामयाब भी हो जाती है और वो देखते हैं कि असल में जो चाल्स है वो एक बुक पढ़ रही थी, इसको जब डॉट ने पढ़ने की कोशिश की तो उसपे जो टेराबोगस है उसने एक फोटो को देख के रिएक्ट किया, जिसपे वो जो स्टूडेंट है वो डॉट को बताती है ये जो बुक है एक हेतर नाम के आदमी ने लिखी है। इसके बाद जो डॉट है वो वहीं से उस स्टूडेंट के साथ अपना कॉन्टैक्ट शेयर करके चली जाती है, जब उसको पता चलता है कि उस स्टूडेंट का नाम असल में बोटान था। वहीं दूसरी तरफ जो बैटल फील्ड में लीको की स्प्रेगेटीटो है वो बैटल करते करते एक नया अटैक एक्रोबैटिक सीख जाती है, बट उसके बाद भी वो जो बैटल है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है, क्योंकि रेगा के पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसी पे लीको जो है अपने स्पेगेटीटो को टेरेस्टलाइज कर देती है, और दूसरी तरफ जो रेगा है वो भी अपने क्लाउड चेयर को टेरेस्टलाइज कर देती है, जिसके बाद वो अपना फाइनल अटैक मैजिकल लीफ फॉर अर्थ पावर का यूज करते हैं, जहाँ पे क्लाउड चेयर का अर्थ पावर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक ही शॉट में जो स्पेगेटीटो है उसको हरा देता है, और इस मैच की विजेता रेगा बन जाती है। जिसके बाद जो लीको है उसको बहुत बुरा लगता है अपना मैच हारने में, बट दूसरी तरफ वो एक्साइटेड भी होती है, क्योंकि उसने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था, और जो बाकी के लोग हैं वो भी इस बैटल को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। जिसके थोड़ी ही देर बाद हमें देखने को मिलता है कि जो लीको और हमारे हीरोज है वो वहीं ऑरेंज अकेडमी के अंदर है, जहाँ पे एक स्ट्रेंज आदमी जिसका नाम असल में रूशा होता है, जो कि ग्लेसियर माउंटेन का जिम लीडर होता है, वो लीको के पास आता है और लीको को कहता है कि उसकी बैटल काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। और उसी के बाद जो गीता है वो भी वहां पे आ जाती है, और रूशा और गीता लीको को फुटबॉल करके वहां से चले जाते हैं। इस पर लीको को समझ में नहीं आता कि असल में अभी हुआ गया, कि तभी जो डॉट है वो उसी बुक के साथ आके जो रॉय और लीको है उसको वही फोटो दिखाते हैं जिसमें टेराबोगस जो है वो इंटरेस्टेड था। और इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो यही डिसाइड करते हैं कि वो इस मिस्ट्री को फिर से अनसॉल्व करने निकल जाएंगे, कि तभी जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है।